बुलंदशहर में दिन दिहाड़े कंपनी के कलेक्शन एजेंट से 9.5 लाख रुपए की लूट। बैंक में कैश जमा करने बाइक से जा रहा था कलेक्शन एजेंट। बाइक सवार दो बदमाशों ने लूटकांड को दिया अंजाम। लूट का विरोध करने पर लुटेरों ने कलेक्शन एजेंट को भी पीटा। वारदात की सूचना पर SSP समेत तमाम अधिकारी मौके पर पहुंच जांच में जुटे हुए हैं। कलेक्शन एजेंट से भी पूछताछ की जा रही है। शहर की नाकाबंदी कर पुलिस चेकिंग अभियान में जुट गई है। बुलंदशहर कोतवाली सिटी के प्रेमनगर कॉलोनी का है पूरी घटना। देखिए हमारे सहयोगी प्रदीप पंडित की है रिपोर्ट। लूट की घटना हुई है, किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है और सर क्या अब तक पुलिस जांच में निकल पाई है? ये प्रेमनगर थाना क्षेत्र में एक रेडिएंट कलेक्शन एजेंसी के कर्मचारी वो बाइक से जा रहे थे, तभी एक मोटरसाइकिल पे दो लोग आए और उनसे उनका बैग छीन कर ले गए। इससे संबंधित कुछ जानकारी अब तक हम लोग को प्राप्त हुई है, जिसमें कुछ CCTV फुटेज इत्यादि भी है, जिसके आधार पर पूरे जनपद भर में चेकिंग कराई जा रही है। इनसे तहरीर प्राप्त कर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और हमारी 5 टीमें इस घटना के अनावरण पे लगा दी गई हैं और जल्द से जल्द इस घटना का अनावरण। सर लगभग कितना अमाउंट पत्थर है? इनके द्वारा बताया गया है, अभी ये चेक भी कर रहे हैं, लगभग 9 लाख के करीब इनके पास पैसे। ठीक ठीक।